लखनऊ और दिल्ली के बीच खेला गया मुकाबला भी काफी ज्यादा सांस रोक देने वाला रहा। अंत में अरशद की बल्लेबाजी ने मुकाबले में वह जान पैदा कर दी जिसकी उम्मीद ऋषभ पंत को भी नहीं थी। कैसे अंत में मुकाबला को पलट कर रख दिया बताते हैं रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स के बारे में। लेकिन अगर आप भी आईपीएल देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत इस मुकाबले में तो भले ही अच्छी ना रही हो, लेकिन अभिषेक पोरेल ने 33 गेंद में 58 रन की पारी खेली तो शे होप ने भी 27 गेंद में 38 रन बना दिए। इसके अलावा पंत ने भी 23 गेंद में 33 रनों का योगदान दिया तो स्टब्स ने 25 गेंद में 57 रन लगाई, जिसके चलते टीम 20 ओवर में 208 रन के स्कोर तक पहुंच गई। और जवाब में लखनऊ की शुरुआत इतनी शर्मनाक रही कि टीम ने सिर्फ 44 रन के स्कोर पर 4 विकेट को दिए थे। कप्तान राहुल ने फिर एक बार निराश किया, सिर्फ 3 दिन में 5 रन बनाकर वह आउट हुए। निकोलस ने 27 गेंद में 61 रन की पारी जरूर खली। निकोलस पूरन के आउट होने के बाद लगभग ऐसा लग रहा था कि बड़ी आसानी से दिल्ली की टीम इस मुकाबले को जीत लेगी, क्योंकि जो ओवर में लगभग 108 रन जीत के लिए चाहिए थे। लेकिन उसके बाद अरशद ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी दिखाई, कुणाल पांड्या के साथ स्कोर को आगे बढ़ाया। दोनों के बीच छोटी सी साझेदारी हुई, 1 से 34 रन के स्कोर पर 7वें विकेट के रूप में कुणाल पांड्या आउट हो गए। लेकिन बल्लेबाजी पर आई युद्धवीर ने भी आते ही एक शानदार चौका और छक्का लगाया तो अरशद खान ने 5 यस बैंक जड़ दिए। खलील अहमद को उन्होंने दिन में तारे दिखा दिया और 23 गेंद में 47 रन पर आ चुके थे। सिर्फ 15 गेंद में जीत के लिए 34 रन की जरूरत थी, लेकिन अरशद की बल्लेबाजी को देख ऐसा लग रहा था कि आसानी से अपनी टीम को जीत दिल भी सकते हैं। वैसे आप सभी अरशद की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।